काम नहीं है। जैसे कि आप सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका APSCU है ना, इसका मेन मोटिव क्या है? वो जो एक्चुअली हम लोग का यहाँ APSCU एक अरुणाचल कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोग यहाँ में बहुत सारा ये डेवलपमेंट इशू है, और हम लोग का मेन एजेंडा है कि हम लोग कोऑपरेटिव एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करना है, ये है। आज सबसे पहले मेरा अच्छे सोशल नालों को मैं थैंक्स देता हूँ, तो उसका नेतृत्व में हम लोग आज बहुत पीसफुली हम लोग सिलेक्शन में रहा, और हम लोग को अन ऑफिस बोलने से भी होगा क्योंकि हम लोग यहाँ में सिलेक्शन में हुआ है, तो हम लोग यहाँ में कुछ दुख तकलीफ से हुआ नहीं है, बहुत पीसफुली से हम लोग हुआ है। हम लोग का यहाँ में एजुकेशन को हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को हम लोग प्रमोट करता है, और मेनली हम लोग हर ये डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यहाँ से हम लोग हर चीज़ को हम लोग डायरेक्शन करता है, और हम लोग अवेयरनेस दिलाता है, क्योंकि जिस सेक्टर में जिस जगह में जो कोऑपरेटिव और ये चीज़ को मालूम नहीं होता है, उसी चीज़ को हम लोग मतलब वहाँ में फोकस करता है, और हम लोग उन लोग को मतलब अवेयरनेस दिलाता है, तो उसमें हम लोग का इकोनॉमिकली मतलब जहाँ बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है, और जहाँ हम लोग का जितना मतलब जो हम लोग का काम काज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिसाब जो हम लोग नहीं चलता है, और कोऑपरेटिव का बारे में जो नहीं जानता है, उसी को हम लोग वहाँ में प्रमोट करता है, यही है हम लोग का असली मुद्दा। जो सक्सेस भी आया और थोड़ा हम लोग का डिमेरिट भी हो गया, क्योंकि यहाँ में हम ये बोलना चाहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, और हम यहाँ आज चेयरमैन के पद में आने का ये है, हम अरुणाचल को एक ये संदेश देना चाहता है, कोऑपरेटिव में हम लोग सब मिलके करेगा, और कोऑपरेटिव को हम लोग आगे बढ़ाएगा, अरुणाचल गवर्नमेंट जाने कि यहाँ में हम लोग का बहुत लोग जुड़ा हुआ है जो कि आगे बढ़ने के लिए है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है, और अच्छा काम करने के लिए हो रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग एक न्यू अरुणाचल का ये सहकारी टीम बोल के हम लोग अभी काम शुरू करने के लिए हम लोग योजना रखा है, ये है। और मेरा मैसेज ये है हमारा जनता को, अभी हम लोग ने नो बीओडी हम लोग पॉइंट हुआ, और हम लोग मिल के हमारा वाइस चेयरमैन यहाँ है, और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अभी टूर करेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को हम लोग बताएंगे, और एक अच्छा कोऑपरेटिव ये को हम लोग बदलाव लाएंगे, क्योंकि आज तक हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को मतलब थोड़ा छूता नज़र में हमारा जितने भी कोऑपरेटिव ये जनता लोग सोच रहा था, तो आज जनता आप लोग का वजह से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप लोग को ये मेरा रिक्वेस्ट है, और साथ में अभी ये कोऑपरेटिव हम लोग का कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का है, और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो अभी हम लोग का सेंट्रल में मिनिस्टर अमित शाह जी है, और यहाँ हम लोग का राज्य में तुमके बगरा जी है, तो दोनों का नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, और कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम लोग अच्छा दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। आई वॉज इलेक्टेड इन 2017। Immediately after 1 year, Corona was started, and thereby I have extremely lost 2 years, 2.5 years. दो साल आधा मेरा ऐसा चला गया। Then दो साल आधा में in fact वो Corona का थोड़ा सिलसिला जारी रहा, इसलिए हमने कुछ beverly कुछ काम नहीं कर पाया। Otherwise this is the backbone of the state's economic
यहाँ से बहुत आदमी को बहुत कुछ काम सिखलाई मिल सकता है। सर आप फिलहाल बता सकते हैं पब्लिक को यहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है क्या, क्योंकि पब्लिक जानना बहुत जरूरी है इसके कारण से, ये काफ़ी इतना सारा लोग नहीं जानते। देखिए हम लोग का यहाँ पे ऐसा है, यहाँ के लोग जानना नहीं चाहते और जानते नहीं, क्योंकि ये जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन है, दिस इज़ द मेन यूनियन जो लोग को हर चीज़ का नॉलेज प्रदान करता है उनको। जैसे कोई भी आदमी को ट्रेनिंग दिलाने का, कोई भी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिलाने का, और विलेजर लेवल में रूरल एरियाज में जाके लोग को ट्रेनिंग दिलाने का, एजुकेशन कराने का, एजुकेट कराने का काम ये पूरा करता है। देयरफॉर स्टेट लाइक अरुणाचल में गवर्नमेंट का मदद बहुत ज़रूरी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन रिसोर्स। आपकी जो टर्म में जो फिलहाल जो ये नेक्स्ट टर्म जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट का कैसे रह रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम जो अभी मैंने तो मेरा चेयरमैनशिप तो ओवर हो गया, मैं होपफुली अपना जो नया चेयरमैन है वो गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा बातचीत करेंगे, प्रपोजल डालेंगे, डिमांड डालेंगे, उनके जो मेम्बर्स हैं उनका BOD है सारा मिलके गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बातचीत करके सेंक्शन ला के कुछ अपग्रेड होगा, आगे बढ़ेगा सोच रहे हैं। जो फिलहाल अभी नया जो चेयरमैन बना है उसके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेंगे? मैं उनके लिए बहुत बहुत ये है कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, वो आगे जाके वो यंग है, डायनेमिक है, बहुत काम करेंगे। और मोर ओवर आजकल इंडिया में यूनियन अमित शाह इज़ द न्यू कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी तरह अभी कोऑपरेशन में नया बूम लाने वाला है, और डेफिनेटली देयर विल बी सी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव उसको मेरे बुला देगा, कोऑपरेटिव हम लोग का मीनिंग को, कोऑपरेटिव मीनिंग को हम लोग का पब्लिक लोग नहीं जानते अभी तक। मीनिंग कोऑपरेटिव बोलने से क्या है पूछता है वो, ये कोऑपरेटिव को इतना ये वैल्यू है उन लोग अभी तक नहीं समझता है, इसीलिए ये सब समझने के लिए पब्लिक को हम लोग ये करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा पब्लिक को जानने के लिए, हम ये कोशिश करेंगे। और यहाँ में कोऑपरेटिव में बहुत स्कीम है, आप जो पूछा है तीखे पूछा है, यह में एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, पिगारी सेक्टर है, बहुत है कोऑपरेटिव में, लेकिन इसको कैसे करना है हम लोग का पब्लिक अभी तक नहीं जानता है। कोऑपरेटिव बढ़ने से उसको क्या चीज से एकदम तो छोटा सा चीज वो ऐसे सोचता है, इसका वैल्यू नहीं समझता है अभी तक हम लोग का पब्लिक लोग, इसीलिए ये सबको हम लोग पब्लिक को मीटिंग बुला करके उन लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम लोग उन लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पब्लिक को ये करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मीटिंग करके समझाना पड़ेगा। सर आप लोग जो मीटिंग जो क्योंकि आपने बोल रहे हैं कि पब्लिक ये चीज़ को नहीं जानते हैं उसको अवेयर होने के लिए, तो आप लोग का तरफ से कब से मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा ताकि पब्लिक लोगों को मीटिंग देकर इस चीज़ को जानने से बेनिफिट सारी क्या क्या चीज़ है उसको जानने देने के लिए? हाँ अभी तो थैंक यू, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद ये पूछा है आप, हम लोग अभी न्यू टीम है, अभी आज से हम लोग को ये किया है, ये सिलेक्शन किया है बाई 1/3 मेजोरिटी, बहुत अच्छा से हुआ है इसको। हम लोग का अभी जैसे कि चेयरमैन साहब ने आगे बोला है, हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, पब्लिक को मोबिलाइज करेंगे, कोऑपरेटिव के बारे में हम लोग उन लोग को समझा देंगे, इसमें हॉट सीस क्या करने से ये होगा, मैंने पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा ये हम लोग समझा देंगे, लेकिन साथ में गवर्नमेंट भी ये करना पड़ेगा, एनकरेज देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एनकरेज नहीं देगा पब्लिक वो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट भी एनकरेज देना पड़ेगा, पब्लिक भी अपने से वॉलंटियर से वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब हम लोग का पब्लिक का इकोनॉमिकली थोड़ा डेवलप होगा गवर्नमेंट एनकरेज करने से, और उन लोग भी काम करेगा गवर्नमेंट का तरफ से एनकरेज देने से, कुछ मदद करने से उन लोग भी एनकरेज मिलेगा और उन लोग का इकोनॉमिक अच्छा हो जाएगा, अपना मैंने ईयरली इनकम ये मिलेगा, ईयरली इनकम मिलने से उन लोग का इकोनॉमिक का थोड़ा डेवलप होगा, ये हम लोग का आइडिया है।